इन चीजों के साइड इफेक्ट्स आप नहीं जानते थे। अगर आपका वेट 50 केजी से कम है तो इस रोड पर भूल के भी मत आना। मगर ऐसा क्यों? अगर आप रोज कहीं चलते समय फास्ट चलते हैं तो आपको एक ऐसी चीज है जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी, और रोजमर्रा की चीजें कैसे बनती हैं ये देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। भाई ये वीडियो बहुत वर्थ है, तो इस पे 30,000 लाइक तो बनते ही हैं। नंबर 20, अगर आप किसी को तेज चलते हुए देखो तो इसके काफी चांसेस हैं कि वो अंदर से उदास है। जो लोग सैड होते हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट चलते हैं। अगर आप किसी को रास्ते पर बहुत सारा फास्ट चलते हुए देखो तो इसका मतलब यही है कि वो काफी अनहैप्पी है। ये हर बार तो कंपलसरी नहीं होता, लेकिन मोस्टली देखा गया है कि सैड लोग फास्ट ही चलते हैं। नंबर 19, ये देखो कुछ इस तरीके से एक्चुअली सोप को बनाया जाता है। पहले सोप के बैटल को तैयार किया जाता है और उसके बाद उन सबको कुछ इस तरीके से स्टिक में कन्वर्ट करके स्टोर किया जाता है, और सोप बनाते वक्त एक ऐसी मशीन उन्हें सोप का शेप दे देती है और काम खत्म। पर ये लोग जिस जगह सोप बना रहे हैं ये देखकर लगता है कि ये कोई सस्ती कॉपी बना रहे हैं। जो ब्रांडेड होते हैं वो अच्छे खासी फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। नंबर 18, अगर आपका वेट 50 केजी से कम है तो आप रोड पर नहीं चल सकते। हाँ, कुछ ऐसा ही रूल चाइना में रिसेंटली निकाला था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा भयंकर तूफान चल रहा था जिसकी हवा इतनी ज्यादा तेज थी कि 50 केजी से कम वाले लोगों को ये हवा दूर फेंक दे रही थी। नंबर 17, अपने आसपास पानी रखने से आप अपने आप को ज्यादा शांत कर सकते हो, आप अपने आप को हैप्पी फील करवा सकते हो, आपको कामनेस के साथ साथ क्रिएटिव माइंड भी मिलेगा। और ये भी रीजन है कि कई लोग अपने घर पर फिश रखते हैं। नंबर 16, बस कॉफी पीने से जान जा सकती है। टर्की में पहले ऐसा ही हुआ करता था। 16th और 17th century में कोई भी अगर कॉफी पीता हुआ पकड़ा जाता तो उसे डेथ सेंटेंस दे देते थे, क्योंकि तभी के रूलर्स को कॉफी हाउस नहीं पसंद था जहाँ कॉफी बनती थी। नंबर 15, ये एड मुझे सबसे गजब एड में से एक लगा। जैसे कि ये देखो, ये एक बियर की एडवर्टाइजमेंट है और ये बियर काफी पॉपुलर भी है। आप देख सकते हो धीरे धीरे करके सनसेट होता है, वैसे ये धीरे धीरे एडवर्टाइजमेंट कम्प्लीट होती जाती है, जो की बहुत ब्यूटीफुल लगता है। नंबर 14, दुनिया में कौन से दिन सबसे ज्यादा कॉल्स होते हैं, इसके बारे में आपको कुछ आइडिया है? एक सर्वे के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉल फादर्स डे पर होते हैं, इवन मदर्स डे से ज्यादा। और लोग कहते हैं कि हम फादर्स डे अच्छे से नहीं मनाते। नंबर 13, टॉयलेट वर्ल्ड के लिए सबसे बड़े डिजास्टर है, क्योंकि एवरेज अब घर में जितना भी पानी इस्तेमाल करते हैं उसका 35% कहीं और नहीं बल्कि टॉयलेट से यूज होता है। यानी कि हमारे घर में जितना भी पानी यूज होता है उसमें से 35% टॉयलेट में जाता है। नंबर 12, आज हम एक साथ 7 या 8 घंटे की लंबी सी नींद लेते हैं, लेकिन 1800s में लोग इंस्टॉलमेंट्स में सोते थे। कुछ देश में 2 बार सोते थे, यानी कि पहले लोग 3 से 4 घंटे के लिए सोते थे और उसके बाद वो 2 से 3 घंटे के लिए उठ जाते थे और वो अपना काम करते थे और उसके बाद वो फिर से 3-4 घंटे के लिए सोते थे। नंबर 11, क्या आपको किसी को सीक्रेट नोट भेजना है? PriveNotes.com नाम की एक वेबसाइट है जिससे आप किसी को भी प्राइवेट नोट्स भेज सकते हो, और उनकी खास बात यह है कि नोट्स जब सामने वाला पढ़ लेगा तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगी या फिर कुछ टाइम के बाद ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी। नंबर 10, जापान बाहर से जितना हाईटेक लगता है उतना ही ज्यादा हाईटेक अंडरग्राउंड में भी है। जैसे कि इस चीज को देखो, यह है जापान का सुपर कॉम्प्लेक्स का अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया। इसके अंदर आप अपनी साइकिल को रख सकते हो और ये फिर ऑटोमेटिक अंदर पार्क हो जाएगी और जरूरत पड़ने पर बाहर भी आ जाएगी। ये देखने में बहुत मैजिकल लगता है। नंबर 9, एक बार इस ब्यूटीफुल टेबल को देखो जो इस तरीके से मूव होता है जब उसे पुश किया जाता है, यानी कि ये एक टाइप से टेबल के टायर्स की तरह काम करता है बट बहुत ही क्रिएटिव तरीके से। नंबर 8, जो खाना पैक करने के लिए फॉइल पेपर होता है उसका एक साइड शाइनी होता है और दूसरा साइड उतना शाइनी नहीं होता, और उसका रीजन है जो शाइनी साइड होता है वो गर्म खाने के लिए होता है। गर्म खाना उसी साइड से पैक करना चाहिए, यानी शाइनी वाला साइड गर्म खाने में अंदर की साइड आएगा। नंबर 7, बनाना जो पूरी तरीके से पक जाते हैं उसे जब ब्लैक लाइट में डाला जाता है तो वो ब्लू कलर में शाइन होने लगता है, और लोग भी कहते हैं कि जो पका हुआ बनाना होता है उसमें से रेडिएशन भी निकलती है। नंबर 6, आपने पानी की ताकत आज तक देखी ही नहीं, आप एक बार देखो कि कॉन्स्टेंटली गिरता हुआ पानी पत्थर को कितना ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। 15 साल में पत्थर कुछ ऐसा होता है, 25 साल में पत्थर में गैप आने लग जाते हैं, और 50 साल तक अगर किसी पत्थर पर पानी गिर रहा है तो वो पूरा फ्लो बन जाता है। नंबर 5, आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा लेकिन जो हमारी आईलैश होती है वो परमानेंट नहीं होती, वो गिरती रहती है और न्यू उगती रहती है। एक आईलैश की लाइफ स्पैन कुछ 5 महीने की होती है, फिर वो गिर जाता है और दूसरा कुछ ही दिन में आ जाता है। नंबर 4, ये काफी फनी है, पांडा का जब एक ग्रुप एक साथ मिलता है तो इसे एम्बैरेसमेंट कहा जाता है, पर पांडा इतने ज्यादा क्यूट होते हैं कि ये नाम भी उनके ऊपर क्यूट लगता है। नंबर 3, लेपर्ड गेको नाम का एक जानवर है जिसकी स्किन हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि वाटर प्रूफ, और ये उनका एक
सर्वाइवल एवोल्यूशन है जो कि सर्वाइव करने में मदद करता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो एक बार ये देखो, जब इसके ऊपर पानी के ड्रॉपलेट्स डाले जाते हैं तो वो इसके स्किन से बाउंस हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे ये पानी को रिपेल कर रही हो। वैसे एक बोनस फैक्ट, इस कुत्ते को देखो, ये कोई नॉर्मल कुत्ता नहीं है बल्कि ह्युंडई का सेल्समैन है। दरअसल ब्राजील के एक शोरूम में उन्होंने कुत्ते को पाला था और इसकी हेल्थ ठीक ही थी, और फिर ये कुत्ता यही का मन का रह गया और फिर उन्होंने इसे सेल्समैन बना दिया। और मजाक की बात नहीं है, ये कुत्ता सच में काज बिकवाता भी है। चलो ये तो ठीक है, आपके लिए और एक बोनस फैक्ट, कई बार हमारा दिमाग सोते समय एक्टिव होता है जागने के कंपैरिजन में, और ऐसा क्यों होता है इसके बारे में साइंटिस्ट कुछ ज्यादा नहीं जानते, यानी कभी कभी सोते समय दिमाग का बैटरी सेविंग मोड ऑन ही नहीं होता। नंबर टू, कुछ ऐसे डेली की चीजें हैं जिन्हें आप आज तक बनते हुए भी नहीं देखा होगा, जैसे पहले है आइसक्रीम। आइसक्रीम खाने का शौक तो सबको है, लेकिन जितना उसे खाने में मजा आता है ना, उतना ही इसे बनते हुए देखने में मजा आता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि कैसे पूरी आइसक्रीम एक मोल्ड से बाहर निकल रही है स्टिक के साथ, जिसे ब्लेड से बड़ी मोहब्बत के साथ बीच से काट रहा है, जो बहुत सेटिस्फाइंग है। उसके बाद इन सारी आइसक्रीम की लिक्विड को चॉकलेट में डुबकी लगवाई जाती है, फिर इनके ऊपर क्रंची चॉकलेट पीसेस को स्प्रिंकल कर दिया जाता है, जिसके बाद इन्हें पैकेजिंग करके आपके लिए भेज दी जाती है। मार्बल्स, जिन्हें बहुत सारे लेजेंड्स कंचों के नाम से भी जानते हैं, जिसे हमने बचपन में बहुत खेला है, इन्हें बनाने का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले कंचों के रॉ मटेरियल को उसके भट्टी में डाला जाता है, जिसके बाद उसके राउंड शेप में कटिंग होकर उसे और ज्यादा गोल करने वाली मशीनों से निकाला जाता है, और इन मशीनों को घूमते घूमते ये मार्बल अपने परफेक्ट शेप में आ जाते हैं, जिसके बाद ये चुलबुले बच्चों के हाथ में जाने के लिए रेडी होने लगते हैं। जैसे क्या आपने भी बचपन में कंचे खेले, कमेंट्स में जरूर बताना। वाटर टैंक आज हर किसी घर में देखने को मिल जाएगा, जिसके बिना आप सोच भी नहीं सकते कि आपके पानी की नीड कैसे पूरी होगी। लेकिन क्या आप जानते हो बहुत बड़े वाले वाटर टैंक कितने अमेजिंग तरीके से बनते हैं? वाटर टैंक बनाने के लिए सबसे पहले एक आयरन मोल्ड को तैयार किया जाता है, जिसके बाद उसमें जो भी केमिकल चाहिए वो सबको डाल देते हैं। फिर इस आयरन मोल्ड को मैन्युअली हीट किया जाता है घुमा घुमा के, और पूरे मोल्ड में केमिकल फैलने के बाद आपका टैंक तैयार हो जाता है। अगर आपको भी पता चल जाए कि बलून किस चीज से बनते हैं, तो आप इसे मुंह से फुलाना आप भी छोड़ दोगे और इन्हें फेक कर ही मानोगे। स्टार्टिंग में बलून सूखे हुए एनिमल ब्लैडर से बनाए जाते हैं, लेकिन शुक्र की बात यह है कि 19th सेंचुरी में एक शख्स ने रबर बलून बनाने शुरू कर दिए थे। लेकिन बलून बनाने का अमेजिंग तरीका आप नहीं जानते होंगे। सबसे पहले बलून मोल्ड को गर्म पानी से साफ करते हैं, फिर इसे एक खास तरीके के केमिकल में डाला जाता है, जिसकी वजह से हमारी मेल्टेड रबर इन पर चिपक जाती है, जिसके बाद इन्हें लैटेक्स में डुबाया जाता है। फिर इनके बॉटम्स को एक झाड़ू जैसी चीज से गुजारा जाता है, जो इनके बॉटम पर लिप्स बना देती है इन्हें फुलाने के लिए। ओरियो, क्या आपको पता है आपके ओरियो को बनाने के लिए कितनी सारी बेकरीज को एक होना पड़ता है? 1898 में बहुत सारी बेकरी मिलाकर एक नेशनल बेकरी बनाई गई थी, जिसे नेबिस्को भी कहते हैं, जो आपके ओरियो बनाने के लिए जिम्मेदार है। एनीवेज, ओरियो बनाने के लिए सबसे पहले सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करके बैटर तैयार करते हैं, जिसके बाद ये कुछ चॉकलेट की तरह दिखने लगती है, जिसमें ड्राई आइस मिलाई जाती है इस बैटर को ठंडा करने के लिए, जो ओरियो को क्रिस्पी बनाने के लिए जिम्मेदार है। फिर इस बैटर को एक मोल्डिंग मशीन में डाल दिया जाता है, इसकी प्रिंटिंग करके इसे ओरियो की शेप दे देते हैं, जिसके बाद कुकीज को 85 मीटर के हॉट ओवन से गुजारा जाता है, जिसके बाद वेनिला फिलिंग को रेडी करके कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है, और बेक कुकीज को दो तरह की कन्वेयर बेल्ट पर डालते हैं, जिससे कुकीज की एक साइड उल्टी रहती है और एक सीधी, जिसके बाद इन्हें बीच में वेनिला फिलिंग भर के पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है और फिर सीधा आपके पेट में। नंबर वन, आप रोज कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करते हो जिनके काफी साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जहां लोग सिर्फ ब्रांड को छोड़कर फ्लेवर के पैसे दे देते हैं। वही पल्स ने पूरी गेम ही पलट कर रख दी, जिसने सिर्फ 2 साल में 1 रुपए की टॉफी से 300 करोड़ की सेल की थी। लेकिन क्या आपको पता है पल्स कैंडी को किन चीजों से बनाया जाता है, और आपके लिए ये ज्यादा खाना सेफ भी है या नहीं, ये हम जानते हैं। पल्स कैंडी में शुगर, सॉल्ट और एसिड की मात्रा बाकी कैंडी के मुकाबले ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर वो सॉल्ट टेस्ट आता है, जो छोटे बच्चों को खानी नहीं चाहिए, क्योंकि ये उनके दिल की धड़कन बढ़ा सकता है और भी हेल्थ प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है, स्पेशली बच्चों में, क्योंकि उनकी टॉलरेंस अडल्ट के मुकाबले कम होती है। कुरकुरे बहुत सारे लोगों का फेवरेट स्नैक है, जिसे बहुत लोग खाना पसंद करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि कुरकुरे में प्लास्टिक होता है, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ है, उसमें कोई प्लास्टिक नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हेल्दी है, जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें रिफाइंड इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं, जिनमें से विटामिन मिनरल्स खत्म हो जाते हैं और उसमें से फैट बचता है, और कुरकुरे के 100 ग्राम में 35 ग्राम तो सिर्फ फैट ही होता है। तो अगर आपको वेट लॉस करना है और आप कुरकुरे खा रहे हो तो ये भूल जाओ। और इसमें हाई सोडियम की वजह से अगर आपको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम है तो आपको कुरकुरे नहीं खाना चाहिए। राइटिंग करना एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना वो स्कूल या कॉलेज लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता, चाहे वो नोट्स लेना हो या कोई असाइनमेंट लिखना, सबके लिए राइटिंग जरूरी है। लेकिन क्या आपकी राइटिंग
राइटिंग हैबिट हार्मफुल तो नहीं है, आइए जानते हैं। ज्यादा राइटिंग करने वालों को अक्सर हैंड क्रैम्प्स होने लगते हैं, फिंगर में एक टाइप से दर्द होने लगता है, और सबसे ज्यादा खतरनाक बात तो ये होती है कि आपके हाथ और फिंगर काम करना बंद करने लगते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे कुछ महीनों तक कंसिस्टेंट राइटिंग करने की वजह से होता है, पुअर राइटिंग पोस्चर की वजह से भी, और पेन या पेंसिल को गलत तरीके से पकड़ने की वजह से भी ये हो सकता है। इस डिजीज को हैंड डिस्टोनिया भी कहते हैं, जो स्ट्रेस लेने से और ज्यादा बढ़ती है। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर आप इन फेमस कंपनीज के ये प्रोडक्ट्स को नहीं जानते थे। कैसे ये बिल्ली दुनिया की सबसे पढ़ी लिखी बिल्लियों में से एक है, और कैसे विमल गुटके की वजह से ये बैंक इतनी बड़ी चोरी होने से बच गया। भाई इस वीडियो को अभी दबाओ, बहुत ही गजब की है। और हाँ, ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।